गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम माई न्यू ब्लॉग। और अभी अभी सो के उठा हूँ, 8 बज चुके हैं। वैसे उठ तो मैं पहले गया था, पानी वानी लगा दिया था मैंने गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, और पानी भी पी लिया था, लेकिन फिर वापस जाके सो गया। मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और अब उठा हूँ तो पानी पूरी तरीके से गर्म हो चुका है नहाने वाला। और बस अब नहाते हैं और फिर अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अभी घर से निकला था किसी काम से, तो अचानक मुझे वजीराबाद आना था, तो मुझे वो जगह दिखाई पड़ गई जहाँ पर मेरा बेटा क्रिकेट खेला करता था। तो आओ उसी एकेडमी में आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये देखिए दूर से एकेडमी का नज़ारा, कितने प्यारे प्यारे से बच्चे लग रहे हैं वहाँ पे जो खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं, तो बड़ी प्यारी सी लग रही है एकेडमी। चलिए एकेडमी के अंदर चलते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all like God is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! I'm built to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you'll be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you. दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं अभी आया हूँ एक क्लब के अंदर, और यहाँ पर मैं पहुँचा तो यहाँ मैंने देखा एक यहाँ पे अंडर 19 के प्लेयर से मेरी मुलाकात हुई, जिनका नाम है मनी ग्रेवाल। चलिए उनसे मिलता हूँ और आपको भी मिलवाता हूँ। तो मनी जी, आप इस एकेडमी से कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को अप्रोक्स 8 ईयर्स हो गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 साल से आप इसमें जुड़े हुए हैं इस एकेडमी के साथ। इस एकेडमी का नाम है एस बी यूथ क्लब। तो मनी जी, आपने किस किस लेवल पे स्टेट खेला हुआ है? मैं अंडर 16 खेला हूँ, अंडर 19 खेला, अंडर 23 के भी स्टैंड बाय में था। अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 23 के स्टैंड बाय में था, खेला नहीं मैं। खेले नहीं है अंडर, वेरी गुड। तो मनी जी, आप क्या हैं बेसिकली? आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं? फास्ट बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर हैं मनी जी, ऑलराउंडर हैं। अच्छा, आपकी बॉलिंग की स्पीड क्या है वैसे? 132-135। वेरी गुड। और आपने यहाँ पे कोई लीग वगैरह कोई खेली है? यहाँ पे DDC लीग होती है, हमारा क्लब प्रीमियर डिवीजन में है, तो मैं हर साल खेलता हूँ। पिछले 3-4 साल से लगातार खेल रहा हूँ। 3-4 साल से आप लगातार खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मनी जी, आगे का क्या प्लान है और फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं आप SBU यूथ क्लब के साथ? फ्यूचर तो मैं अपना क्रिकेट में देखता हूँ और SBU यूथ क्लब में ही देखता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से यही हूँ तो यहाँ से नहीं छोड़ सकता। काफी यादें जुड़ी मेरी यहाँ पे। तो ओके, थैंक यू सो मच मनी जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे SBU यूथ के हेड कोच हैं और साथ साथ SBU यूथ के मालिक भी हैं, और ये बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the men.
दोस्तों अब मैं मिलवाता हूँ अपने इस SB यूथ क्लब के डायरेक्टर और हेड कोच से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी अशोक कुमार। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि ये जो SB यूथ क्लब है, ये कब से आप इस क्लब को चला रहे हैं, कब से आप यहाँ बच्चों को खेलना सिखा रहे हैं? हम कम से कम ये 40 से 45 साल हो गए। DD से मैं एफिलिएटेड हुआ भी 42 साल हो गए। 1980 के अंदर हमारा क्लब रजिस्टर्ड हुआ था और जब से हम लीग खेल रहे हैं इस क्लब से बड़े बड़े प्लेयर खेल के गए और बड़े बड़े प्लेयर बने भी। तो आपके यहाँ से और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो या नेशनल या इंटरनेशनली खेल चुके हैं? यहाँ से बहुत सारे लड़के हैं, जैसे राहुल शर्मा खेला और मनोज का मनजोत कालरा है और बहुत लड़के हैं, J&K के आदिल ऋषि, उमर आलम और बहुत सारे लड़के जो खेल के गए, लीग खेल के जाते हैं और आज भी खेल रहे हैं। अच्छा, अभी भी जो लीग्स होती हैं उसमें भी बच्चे खेलने के लिए आते हैं? हाँ, अभी भी बाहर से आते हैं लड़के और दिल्ली के भी खेलते हैं। हमारे पास अभी भी मनजोत कालरा खेल रहा है और ये मन्नी ग्रेवाल भी खेल रहा है, ये दो लड़के हैं। अच्छा, मनजोत कालरा ने तो इंटरनेशनल खेला हुआ, अंडर 19 इंटरनेशनल खेला हुआ है। हाँ ठीक है, फिर भी खेलता है, ये पुराना बच्चा है, छोटा था जब हमारे पास था, फिर कहीं और भी गए, फिर भी यहाँ वापस। और राहुल शर्मा भी ऑलरेडी यहाँ से खेल रहे हैं? राहुल शर्मा भी खेला है, पिछले एक साल से नहीं खेल रहा इंजरी के मारे, नहीं तो पिछले 5-6 साल से वो SBU से खेला है। तो अभी क्या लगता है आपको कि यहाँ से अभी और कितने बच्चे निकलने वाले हैं? ये तो समय बताता है, जितनी मेहनत करेंगे जब निकलेंगे बच्चे, किसी कोई गारंटी थोड़ी है। नहीं सर, आपने बहुत मेहनत की और बच्चों को यहाँ पर मैं देखा, आप बहुत मेहनत के साथ उनको ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आप इन बच्चों को जो आपने मोबाइल छुड़वा के इनके हाथों से और इनको आप ग्राउंड पे लेके आते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं और उसके साथ साथ उनको देश का भविष्य बनने का मौका देते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोच साहब सबको, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उनको चीज़ों के बारे में बताते हुए, बहुत अच्छे कोच हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी एकेडमी से निकल चुका हूं और एकेडमी के कोच साहब बहुत देर तक मुझसे बातें करते रहे, बड़ा अच्छा लगा उनसे। तो चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं एकेडमी से घर पे, अभी पहुंचा हूं और मुझे वो दिन याद आ गए जब मेरा बेटा भी उसी एकेडमी में खेलता था। एक्चुअली अभी 12th होने की वजह से ना वो अभी वहाँ खेल नहीं रहा और कोरोना भी बीच में आ गया था तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो वहाँ खेल नहीं रहा था अभी। लेकिन जो उसकी पुरानी यादें हैं वो मेरे को याद आ गई वहाँ जाके। तो कुछ तस्वीरें भी हैं मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये तस्वीर है कपिल देव जी के साथ में और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है मनजोत कालरा जी के साथ में। ये अंडर 19 में वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और ये इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये है राहुल शर्मा जी, ये भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये इनको तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे। ये है पवन नेगी, इनको तो आप जानते ही अच्छी तरीके से। तो इसने भी काफ़ी टाइम तक अच्छा क्रिकेट खेला है, तो अभी फ़िलहाल जो है स्टडी की वजह से क्रिकेट को रोक रखा है क्योंकि 12th है इस साल, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है वो प्लेयर जिसकी मैं आपको फोटो दिखा रहा था अभी, ये वो प्लेयर है अभी। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में क्रिकेट छोड़ रखा है और कोरोना के चक्कर में, कोरोना और पढ़ाई ने दोनों ने अभी क्रिकेट छुटवा रखा है और ना पढ़ाई हो पा रही है अभी और ना क्रिकेट ही हो पा रहा है। तो अभी मैं घर पे ही हूँ और अब मैं घूम के आ गया हूँ, तो अब खाने पीने की तैयारी करते हैं। क्या बन रहा है आज, क्या बना रही? गोभी की सब्जी, आलू गोभी। आलू गोभी की सब्जी बना रही है? और आलू गोभी और रोटी, आलू गोभी और रोटी खाएंगे आज। ये भी कोई खाने की चीज़ है? नहीं, खाने की चीज़ है आलू गोभी रोटी, खाने की चीज़ है भाई। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, मैंने खाया था।
मैंने बनाई थी सब्जी। तो फाइनली खाना बन चुका है और अब मैं खाने जा रहा हूँ अपनी रोटी और सब्जी। आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनी हुई है तो खाते हैं, मस्त देखने हैं, बड़ी टेस्टी लग रही है, खाते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने डिनर कर लिया है फर्स्ट क्लास और अब रात के बज चुके हैं 10:30 और सोने का हो गया है वक्त और साथ में एडिटिंग भी मुझे अभी करनी है, तो चलो एडिटिंग करते हैं और उसके बाद में फिर सोएंगे। तो कल सुबह फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट।